नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज में जीतने वाले को मिलेंगे 4 लाख रुपए। इस चैलेंज में भाग लेने के लिए कैसे और कहाँ अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आप जानेंगे। स्टार्टअप इंडिया द्वारा शुरू किए गए इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेनर यानी उद्यमियों को प्रेरित करना। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नया आइडिया है जो फूड प्रोसेसिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन आपको इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। आइडिया देने वाले स्टार्टअप्स को पहला फोकस इस चीज पर रखना होगा कि कैसे खाने की बर्बादी को रोका जाए। दूसरा फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि कैसे फूड प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी डाली जाए। तीसरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और उसे बचाया जा सके। फूड प्रोसेसिंग के इस चैलेंज को जो भी स्टार्टअप जीतेगा उसे सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही 12 महीने का इंक्यूबेशन भी मुहैया कराया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप को कई सुविधाएं और मदद मिलेगी। इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आपको 21 जुलाई 2024 तक आवेदन देने होंगे। इसमें सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। अगर आपका पहले से ही स्टार्टअप है तो उसका DPIIT में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर अगर आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर या इनोवेटर हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस चैलेंज के लिए आवेदन करना है तो आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट www.startupindia.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप ग्रांट चैलेंज 2.0 पर जाना होगा। यहाँ क्लिक करके आवेदन के पेज पर जा सकते हैं। बता दें कि इसका रिजल्ट 31 अगस्त 2024 को आएगा। इस चैलेंज के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया ने भारतीय उद्यमियों को नए विचारों और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह रोजगार का अच्छा अवसर है। अगर आप खाद्य प्रसंस्करण में अपने इनोवेशन को दिखाना चाहते हैं तो अभी इस चैलेंज में भाग लेने का मौका ना गंवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।